चाचा डिल्डो चौक, डिल्डो चौक, डिल्डो डिल्डो चौक का नहीं पता। नहीं रैंडा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खाओ कपड़े गंदे ना हो। आपके सत्तू का शरबत पी लियो क्या? ताजा जबरदस्त ठंडा यार। हाँ तो भाई फैसलाबाद हम किस लिए जा रहे हैं, वो है एक सरप्राइज। हाँ तो भाई सीन ऐसा है कि इस वक्त हम जा रहे हैं फैसलाबाद, अभी इस वक्त हम निकल रहे हैं इस्लामाबाद से फैसलाबाद के लिए, फैजान भाई के लिए रिश्ता देखने। फैजान भाई कैमरे के पीछे हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं जो नहीं जानते। तो अभी हम निकल रहे हैं फैसलाबाद के लिए, टाइम हो रहा है इस वक्त 11 बजे। हमारे साथ इस वक्त हैं एहसन भाई। एहसन भाई आपने मतलब रिश्ता लड़की को लेके आना है ना, बस उन्होंने कहा था कोई बड़ा बंदा है तो मैं जा रहा हूँ आपकी तरफ से, अब देखे अल्लाह खैर करे। ये तो फैजान की खूबियां खामियां पता चलेंगी। ये तो भी हाँ लड़की है, उन्होंने कहा यार कोई बड़े बुजुर्ग को लेके आओ, तो हम एहसन को लेके जा रहे हैं। बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है, उसके साथ मैंने ठुमका मारा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो अभी देखे इंशाल्लाह रिश्ता, उम्मीद है कि हो जाएगा। फैजान भाई का ऑलरेडी एक हुआ भाई, इन्होंने करनी है दो, ये कहते हैं एक इधर हो एक कराची हो ना। तो अभी जाते हैं फैसलाबाद, फिर इसकी वहाँ पे नथ उतराई की रस्म भी है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो भाई फैसलाबाद हम किस लिए जा रहे हैं, वो है एक सरप्राइज। वो आप लोगों को अभी बता नहीं सकते, लेकिन अगले एक दो व्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम किस लिए गए थे। कुछ चीजें हैं जिसके लिए अभी हम जा रहे हैं, हमने परचेजिंग करनी है, तो अगले एक दो व्लॉग में आपको हम बता देंगे, आपके सामने खुद ही आ जाएगा कि हम फैसलाबाद किस लिए गए थे। अभी बस सफर इंजॉय कर रहे हैं और साथ अभी कोई भूख शूख तो लगी नहीं है, अभी बस रास्ते में खैर खैरियत से पहुंच जाए। जी सलाम अलैकुम जी, बस वगास भी पहुंच रहे हैं तकरीबन, इंशाल्लाह आप 30-35 मिनट में आपके पास होंगे। जी जी मोटरवे पे हैं, चल इंशाल्लाह आके मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। छोटा सा घंटा भाई, ये तो छोटा सा घंटा है। अबे बस कर दे तू यार। क्यों हर गली से नजर आएगा, इस गली में खड़े होंगे नजर आएगा, एक चौक है इस गली से कहाँ से नजर आएगा यार। इसके साथ हाँ वो बोल मेन चौक है यार, हमें बेवकूफ बना रहे, वहाँ से 6 किलोमीटर से कह रहे हर गली से नजर आएगा ना, उस बिल्ला एक घंटा कर रहे हो। अच्छा बात नहीं यार, ये कवर हो गया सऊदीया का यार, छोटा सा घंटा कर, टाइम भी इसमें गलत है, 11:40 बज रहे हैं, घंटा कर गलत टाइम बता रहे हैं, 3:21 होने चाहिए। बड़ी तंग जगह है यार, यहाँ पे ड्राइव करना ना, इधर इतने तंग गलियां हैं फैसलाबाद और लाहौर की कि अगर लोग आपस में गुजरे तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। बस जी ये पढ़ा था मैंने किसी पेज पर, ये रहा भाई घंटा घर। यार फैजान का एंटीना ना कब से लाहौर की तरफ इशारे कर रहा है, फैसलाबाद के सिग्नल नहीं पकड़ रहा भाई, तुम बोला लाहौर, फैसलाबाद के सिग्नल इसका एंटीना नहीं पकड़ रहा, इसका एंटीना बार बार यूं ही हो रहा है, लाहौर की तरफ इशारे मार रहे। तुझे लाहौर जाना क्यों है फैजान, क्यों जाना है लाहौर? बच्चे क्या देखना है तुझे, कह रहा है स्टेज ड्रामा देखना है, फिर इसका एंटीना उस तरफ हो जाता है वापस से। एहसन ये बता, ये बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा लाहौर जाने का? जानता है लाहौर का, बोला है ना वो हम अपने जो काम से गए थे, वो कौन से काम, हमारा काम फैसलाबाद में भाई, ये इस वक्त हम फैसलाबाद में, तो लाहौर क्यों जाना, सीधा घर ही जाते हैं, छोड़ चीजें खरीदनी। चाचा चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चाचा ये चाचा डिल्डो चौक किधर है जी? डिल्डो चौक,
डिल्डो डिल्डो चौक का नहीं लीमू क्या लबेल क्या गोलियां चली तुम लोगों पे? अरे नहीं रे वो लूमो गए कपड़े की लूम नहीं होती वो मेरे ख्याल में गाड़ी हम खड़ी किंग करते हैं पैदल ही जाते हैं इसके अंदर एक मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस ऐसा यार तू टेम्परेचर चेक कर 47 यार 130 मीटर है अल्लाह के बंदे क्या चीज़ कपड़ा लेने आया हुआ कि 130 मीटर कपड़ा नहीं है यार तू ये पता कर रिजान निकल बेटा बाहर इसको हटवा रिजान ये रिक्शा हटा बाद में घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं आप लोग हमें रास्ता दो स्टार्ट करके चलाने लग जा कैसा सर्दी लग रही है बस अंडे रखो फ्राई हो जाएंगे ऐसा गर्मी है दबा के गर्मी है फैसलाबाद में सोना जिससे भी यहाँ से निकलेंगे कहीं से ठंडा ड्रोन रेंडा उसमें उस पे नमक डाल के वो ठंडा या खाने जैसी गर्मी है रेंडा अच्छा लेंडा नहीं रेंडा अबे तरबूज बोल रहा है यार तरबूज रेंडा क्या ये मेरे को लगे रेंडा बोलते हैं अद्वाना तरबूज हां अद्वाना अद्वाना वो ठंडा है यार डाल देना उसके साथ नमक मेरा भाई मैं ताबेदार मैं ताबेदार तो यहां से उठ भी ना बीच बस उठ रहे हैं ना ऑर्डर देते आए इस काम के लिए वो कर यहां बहुत ठंड है भाई ठंडी तेरा एंटीना सही चल नहीं रहा हाँ भाई फाइनली हम जिस काम से फैसलाबाद आए थे वो काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया और अभी हम जा रहे हैं वापस इस्लामाबाद की तरफ तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब ये फैसलाबाद की रोडों पे डॉल्फिन रोड के बीच में खड़ी हुई है तो अभी इस बाइक को हमने आनंद मारा है कि यार थोड़ा सा बाइक हटाओ रास्ता हमें दो तो ताकि हम निकल के जाएँ और भाई साहब की अकड़ देखें लेकिन भाई साहब ने गाड़ी हटाई नहीं है मेहरबानी फरमा के थोड़ा आप आगे आ जाएँ ऐन नवाजिश होगी फकत आपका मुजरिम सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी बस अभी जाते हैं कुछ ठंडा यख सब खाते हैं क्या बोलते हैं इधर ये लंबे डाले लंबे डाले लंबे डाले रक्षा है इसको यार लोधा रक्षा कुछ कह लो लंबे डाले वीगो को तुमने लंबे डाले नहीं है अबे वो है पिकअप पिकअप चल भाई चल चल बच्चा चल 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 मार के गलत लेके ड्राइवर बेटा ये फिजान चला रहा होता ना फिजान चला रहा होता तो कहीं ना कहीं मारी भी होती और मार के तो इस गली में 100% की मारी होती वो इतनी जितनी लंबी है ना यकीन कर ऐसी तलब हो रही थी ना कब से हमें कि हमें रेंडा मिले ठंडा याक वो भी हम खाएं और देख तू मिल गया अब तूने बनाना है ठंडा याक रेंडा में देने पीसेस करके और ऊपर नमक तूने डालना है नमक थोड़ा ज्यादा डालना सही है प्लेटें कितनी कितनी वाली है क्या कितनी कितनी वाली प्लेट 100 का किलो है 100 का किलो है तो हमें दो जगह तीन जगह मिल सकते हैं कपड़े गंदे ना हो नहीं प्लेट नहीं नहीं रेंडा तो ऐसा हो ही नहीं सकता आप खाओ कपड़े गंदे ना हो आपके सत्तू का शरबत छीन लियो क्या ताजा जबरदस्त ठंडा या रेंडा में मिल गया वो भी ठंडा यक ये देखिए जैसी गर्मी है ना सेंटीग्रेड 44 सेंटीग्रेड है ऊपर से नमक डाल के दिया और मजा आ गया भाई अभी बस खाने छाने नहीं खाएंगे मैं तो वैसे भी डाइट पे हूँ साथ इन दोनों को भी डाइट पे रखूंगा इस्लामाबाद जाके कुछ खाएंगे लाइट सा यार अपने खिलाने की बारी यही तो डाइट और नहीं नहीं अपने खिलाने की बारी नहीं है भाई छोड़ो यार ऐसी कोई बात नहीं है यार तुझे सबवे खाएंगे अच्छी बात है वो डाइट वाला होता है हां सबवे सही है सबवे खिलाओ हमें आप हम आपको सबवे में जितना खा लूंगा उसका मसला नहीं जितना तू खिला दे कोई मसला नहीं खिला नहीं दे भाई शाबाश बेटा एक इस शक्ल से भी कुछ खा लो यार तुम फिजान वैसे आपस की बात है तूने कभी ऑफर नहीं कराई है यार कि आज मैं छोटा भाई हूँ मैंने गैरत का कैप्सूल खा लिया 5 रुपए का बात तो सही है आज मेरी तरफ से यानी एक प्लेट और ले आ आज क्या खिला रहे तू ये बता जो आपका दिल करे हां जो दिल करे भाई मैं तो डाइट पे हूं ऐसा क्या खाना है तो डाइट पे कैसे खाऊं पता करते हैं सब सब पे खाएंगे टूना फिश नहीं नहीं ऐसी चीजें मैं नहीं खाता हम खाते हैं ना मैं क्या खाऊं तू हमें देख चुप कर बे कुत्ते ये अब टूना फिश कैसे खाएंगे इधर करीब ही हाँ ये अब मेन जिधर चूरमा मोड़ से आए हो ना जी जी तो आगे जाओगे इस साइड पे आएगा रहमानिया गुल्फा ठीक हो गया
इंशाल्लाह। अभी तो हम जा रहे हैं कोई लोकेशन है ये वाली है, बल्कि आप भी शायद हमें बता ही दोगे। नथुतराई की रस्म है। यानी जज़ाकअल्लाह, बड़ी मेहरबानी। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला यार, तो गुजरा नहीं हो रहा है। ये देख, ये ब्लॉग में आ गया, देखे ये आ गया ब्लॉग में। अब सुन लिया, अब देख ले कपड़े से क्यों मुंह छुपा रहा है, बता क्या देखने। ये मैं ब्लॉग में ऐड करूंगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो तो अभी तूने बोला दूसरी बात, कौन सी दूसरी? हाँ अल्लाह माफ करे, दूसरी बात बात निकल इस मुंह से। ये इससे देखा ही नहीं कि कैमरा ऑन है। इतने मुझे से पूछते यहाँ पे मुजरा नहीं होता कहीं पे। चल बच्चे, ये लग गया तेरे साथ, कुत्ती रुल गई फैजान तेरी। अभी यार हम फैसलाबाद में फिर रहे थे तो यहाँ पे हमने किसी से पूछा कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। उन्होंने बताया रहमानिया कुल्फा। तो अभी हम आए रहमानिया कुल्फा पे। भाईजान कौन कौन सा कुल्फा है हमारे पास? रहमानिया कुल्फा शॉप है और 100, 150, 200 वाली पैकिंग है। सबसे अच्छा कौन सा कुल्फा? सबसे अच्छा हमारा 200 वाला है। बस तीन ले सवैया डालनी है सर, सवैया दबा के डाल, जबरदस्त A1 बनाना है आपने मेरी जान। भाई ये रहा रहमानिया कुल्फा शॉप, ठीक है लेकिन टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अभी टेस्ट इनका चेक करते हैं कुल्फे का। भाई ये आ गए हमारे कुल्फा, जानी दिखा जरा कुल्फे की शक्ल। ओ तेरी। देखते हैं, तो मजे का लग रहा है, खा के चेक करते हैं टेस्ट कैसा। जानी इसमें कोई ऊपर नहीं डालते स्ट्रॉबेरी मीठा? क्रीम पाई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्रीम पाई ऐसा किसको कहते हैं? क्या क्रीम पाई? वो पायों के ऊपर क्रीम डालो, क्रीम पाई हो जाएंगे। लाहौर में मिलते होंगे। यार ये रहा भाई, रहमानिया के कुल्फे की तारीफ सुनी थी, अभी खा के चेक करते हैं। कराची में इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल। मजे का चीकू कैसा? मजे का है ना? मजेदार। वाकई में किसी ने सही कहा था कि फैसलाबाद में रहमानिया का कुल्फा बड़ा जबरदस्त है। फैसलाबाद आए और रहमानिया कुल्फा ना खाया तो फैसलाबाद 15,000 का पेट्रोल डाल के आए क्यों? हाँ तो भाई मुजरा जो है ना स्टेज ड्रामा, वो फिजान भाई की फरमाइश पे हमने देखना था लेकिन वो लेट शुरू होगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। फरुदा वगैरह खा लिया, बड़ा क्लास का था और उसका क्या टेस्ट था, मज़ा आ गया। तो अभी निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। ये फिजान भाई को अपने बताया कि वो मुजरे का सीन कैंसिल है तो वो नाराज़ होकर लेट गया हमारा फिजान भाई। तो फिजान झूठ क्या बोल रहा है अल्लाह के बंदे, अभी बात सुन, फिर दिखाएंगे ना फिर कभी, फिर नाराज ना हो, फिर कभी दिखाएंगे फिजान मुजरा। सही है, घर आ गया, खैर खैरियत से पहुंच गए। अभी इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि हिम्मत ख़त्म हो गई है। खलास खली वाली। अहसन भाई भी घर जा रहे हैं, इस भाई को हमने मुजरा नहीं दिखाया तो इसका मुंह बना हुआ नाराज़ हुआ है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।